भारत की प्रगति। जब भी बातचीत आती है तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं नारी तो हमारे भारत में ऐसे हुई, ये हुई हुई, बड़ी शोषित है, बड़ी उसके साथ बहुत दिक्कतें हैं हमारे समाज में। लेकिन अक्सर मैं ये सोचता हूं, आप लोग अगर थोड़ा सा अपने मोबाइल सेट स्विच ऑफ कर देंगे या वाइब्रेटर पे डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अक्सर जब मैं ये मनन कभी करता हूं या सोचता हूं इस बारे में, तो मुझे लगता है कि अगर महिला सुल्तान पूरी दुनिया में कोई बनती है तो भारत में पहले बनती है रजिया सुल्तान। और खास बात यह है कि उस वंश से ताल्लुक रखती है जब स्लेवरी के पक्ष में पूरी दुनिया थी, 9वीं 10वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में, कि जब गुलामी एक तरह से परंपरा मानी जाती थी, उस वंश की लेडी भारत में पहली महिला सुल्तान बनती रजिया सुल्तान। उसके बाद हमारा मुल्क आजाद होता है और कई कारणों से ये तीन, पहले दो और बाद में तीन हिस्सों में बट जाता है। इंदिरा गांधी हमारे यहां प्रधानमंत्री होती हैं, तो पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो होती हैं, तो बांग्लादेश में शेख हसीना होती हैं। इन सब के बावजूद, इतने प्रयासों के बावजूद, अगर आज हम इस बात पर विचार करते हैं कि नारी शक्ति है और उसके साथ भारत की प्रगति है, तो ये अपने आप में बड़ा सोचने वाला विषय है कि समाज हमारा सही तरीके से क्या बना है या बिगड़ता चला गया है। जहां एक तरफ गार्गी या पाला इनकी परंपरा है, तो दूसरी तरफ हम बार बार अपनी रचनाओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से देखते हैं कि नारी की स्थिति वर्तमान समय में यह है। इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत, जैसे कि हेल्पलाइन ट्रस्ट की परंपरा भी है कि हम सबसे पहले राष्ट्र की वंदना करते हैं, बाकी बाद में सारे देवों की वंदना करते हैं, तो राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नायक जय ही भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्तल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण कर ले। और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने सभी अतिथियों का, विशिष्ट अतिथि का, मुख्य अतिथि महोदय का विधिवत स्वागत करने के लिए, स्वागत संबोधन करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा रूपल अग्रवाली से कि वह आए और विधिवत हमारे सभी अतिथियों का स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित मासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हेल्प यू सिलसिला एक सहयोग का के अंतर्गत तृतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम नारी शक्ति भारत की प्रगति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं इसमें विशेष रूप से पधारे हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री जगमोहन यादव जी, IPS DG CCDID उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ, माननीय श्रीमती जूही सिंह जी अध्यक्ष बाल आयोग, सभी गणमान्य अतिथियों श्री विशाल कपूर जी, सुश्री रंजना अग्निहोत्री जी अधिवक्ता उच्च न्यायालय, महेंद्र भीष्म जी, कुंवर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश पुलिस एवं इंचार्ज 1090 वुमेन पावर लाइन, सत्या सिंह जी उत्तर प्रदेश पुलिस,
सुनीता तिवारी जी उत्तर प्रदेश पुलिस का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं इस प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी दर्शकगण, सुश्री विभू वाजपेयी, सुश्री अनुष्का श्रीवास्तव, श्री दुर्गेश कुमार सिंह, श्रीमती चित्रा मोहन जी, श्री संगम बहुगुणा जी, श्री शैलेंद्र यादव जी, वुमेन पावर लाइन 1090 टीम, मीडिया के सभी मित्रों व हेल्प एजुकेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम के लिए इतना समय दिया। नारी शक्ति भारत की प्रगति पर एक कविता के माध्यम से मैं अपनी भावनाएं प्रस्तुत करना चाहूंगी। यह कविता हेल्प एजुकेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक पद्म श्री श्री गोपाल दास नीरज जी के द्वारा लिखी गई है। चूड़ी वाले हाथों में अब हथियार जरूरी है, बेटी को भी उसका अधिकार जरूरी है। बंदूकों और तोपों से उसे खेलने दो, क्यों कहते हो उसको बस श्रृंगार जरूरी है। कैद करो मत उसको अपनी चार दीवारों में, बेटी को भी सपनों का संसार जरूरी है। लक्ष्मी अमर हुई है जब उसने हथियार उठाए हैं, लक्ष्मी बाई एक नहीं हजार जरूरी है। बहुत सहे हैं जुर्म जालिमों के उसने अब तक, समय आ गया उसका प्रतिकार जरूरी है। चूड़ी वाले हाथों में हथियार जरूरी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए वुमेन पावर लाइन 1090 का शुभारंभ किया है। वह महिलाओं के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि 1090 ने अभी तक 90% केसेस सॉल्व किए हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ व आप सभी लोगों से ये अपील करती हूँ कि महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि हमारा वतन तभी आगे बढ़ सकता है जब हम जाति पाति लिंग भेद को छोड़कर पुरुष व स्त्री सभी समान रूप से आगे बढ़ेंगे और देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हमारे संचालक श्री नवर शुक्ला जी से निवेदन करती हूँ कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। जैसा रूपल जी ने अभी अपनी कविता के माध्यम से जो दादा गोपाल दास नीरज जी की लाइनें थी, हेल्प्यूटर्स में नीरज जी पर भी कार्यक्रम एक अभी आज से पहले किया था और बहुत बड़ा कार्यक्रम था, वो बहुत वृहद कार्यक्रम था। नीरज जी के 91 जन्मदिन के अवसर पर 90 बच्चों की शिक्षा और उनकी पूरी शिक्षा की पूरी व्यवस्था हेल्प्यूटर्स ने एक तरह से उनको गोद लिया था पूरी 12वीं तक की शिक्षा के लिए हेल्प्यूटर्स ने। लेकिन जैसा उस कविता में था कि अधिकार जरूरी है, हथियार जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कभी ये सोचता हूँ, कभी कभी विचार मन में आता है, खासतौर पर आज का जब ये कार्यक्रम मैं सोच रहा था तब मेरे दिमाग में ये विचार आया कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में वोटिंग राइट तभी दे दिए गए जैसे हमारा मुल्क आजाद हुआ, लेकिन वेस्ट में वोटिंग राइट के लिए बकायदा महिलाओं को लड़ना पड़ा। यहां तक इंग्लैंड में स्विट्जरलैंड में तो 72 में वोटिंग राइट मिले। हमारे मुल्क में तो जैसे मुल्क आजाद हुआ पूरी तैयारियों के साथ हम सामने खड़े थे। ये एक बहुत बड़ा सोचने का और मनन का प्रश्न है कि इतनी चीजों के बावजूद, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जो दुनिया में जिसकी डेमोक्रेसी के लिए कहा जाता है, हर बार डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल अमेरिका का दिया जाता है, कि 400 साल के डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद आज तक उसमें कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई। और हमारे मुल्क में जहां पर इस तरह का सिस्टम शुरू से आ रहा था उसके बावजूद ये स्थितियां आज भी बनी हुई है कि वुमन पावर लाइन हमको बनानी पड़ती है और हमको इस तरह से बार बार कहना पड़ता है कि आप नारी का सम्मान करें। इतने पढ़े लिखे उद्बोधन के लायक मैं नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी ही आगे इस पूरे हेल्प्यू ट्रस्ट को का जो दायरा है उसके बारे में बताए। तो मैं वरिष्ठ कथाकार साहित्यकार महेंद्र भीष्म जी से अनुरोध करूंगा कि आए और अपना संबोधन प्रस्तुत करें। अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित विद्यजन, हेल्प यू एजुकेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 28 अप्रैल 2012 को श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी के द्वारा हुई थी। मैं एक चीज़ और बता दूं, आपके जो ग्रैंडफादर श्री राधेश्याम अग्रवाल साहब आईएएस थे और एक बहुत अच्छा ट्रस्ट चलाते थे हरदोई में, उस परंपरा को उनके पौत्र ने आगे बढ़ाया।
विशेष रूप से निर्धन राशित वर्ग के उत्थान के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए और चिकित्सा क्षेत्र में रक्तदान शिविर वगैरह लगा के कन्या भ्रूण हत्या कैसे रोकी जाए इसकी जागरूकता। अभी कुछ दिन पहले नेशनल पीजी कॉलेज में कैंसर के ऊपर एक वर्कशॉप रखा था, कैसे उससे बचा जाए। उसमें चीफ गेस्ट थे डॉक्टर अवधेश दीक्षित जेके कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर के। उन्होंने लड़कियों से कहा था, मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, कि उनसे शादियाँ मत करना जिनके मुंह डस्टबिन है, जो मसाला खाते हैं। सारी लड़कियाँ तालियां बजाई उन्होंने और ऐसे एक वर्कशॉप संपन्न हुई। दूसरी वर्कशॉप कालीचरण डिग्री कॉलेज में हुई, जिसमें 1090 के ऊपर थी वो। वहाँ के बच्चों ने छोटी सी लघु नाटिका प्रस्तुत की और उसमें आज सम्मानित होने जा रही रंजना गुरुद्री जी भी थी। तो वो एक कार्यक्रम इस तरह का दे रहे हैं जागरूकता का। यह हेल्प यू बहुत अच्छा कार्य कर रही है। दो वर्ष में जो स्थान इसने लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, इस देश में बनाया है, वह इतनी जल्दी अन्य कोई ट्रस्ट मैंने आज तक नहीं देखा जो इतनी अच्छी उपलब्धियों के साथ आज खड़ा हुआ है और प्रत्येक माह एक अच्छा कार्यक्रम लेके हेल्प यू आ रहा है। सिलसिला एक सहयोग का, पिछले महीने किन्नरों के संग एक कार्यक्रम रखा गया था। इसके पहले अवध की संध्या, जिसमें योगेश प्रवीण जी ने अवध कल्चर के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ें बताई थीं, और इस बार नारी शक्ति देश की प्रगति, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक की ला रही हैं डॉक्टर रूपल अग्रवाल, जो हर्ष जी की धर्मपत्नी हैं, यूनिसेफ से आप सम्मानित भी हुई हैं और बैंक ऑफ इंडिया में आप सदस्य भी बनाई गई हैं, जो वुमेन्स के बचाव के लिए कमेटियाँ बनती हैं। और हर्ष जी का बड़ा योगदान रहता है इन सब कार्यक्रमों में और इनकी एक अच्छी टीम है, पूरे कार्यक्रम बड़ी विधि से और अच्छे तरीके से रखते हैं। अनवर जलालपुरी जी को हम सभी जानते हैं, पर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हेल्प टू ट्रस्ट में, आज काफ़ी लोग जान रहे हैं उनको। नीरज जी अपने आप में लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, पर हेल्प यू ने पिछले दो उनके जो जन्मदिन मनाए वो भी काबिल तारीफ थे और बड़े सराहे गए। मैं आप सबसे यही उम्मीद करूंगा, हेल्प यू के साथ जुड़ें, परिवर्तन लाएं, और मैं बहुत अभिभूत हूं इस संस्था से। और मैं अपना जो भी समय मेरा होता है, अतिरिक्त समय अपने कर्तव्यों के बाद, वो मैं सहर्ष देता हूं और हमेशा देता रहूंगा। धन्यवाद। मैं भीष्मी जी, आपका साहित्यकार का भी आशीर्वाद मिल गया, विधिवत संबोधन भी हो गया, और जाहिर सी बात है कि साहित्यकार का सबसे पहले संबोधन इसलिए आवश्यक होता है कि अलग बात है कि हम अक्सर हथियार उठाने की बात करते हैं, लेकिन हमारी परंपरा में सबसे पहले बुद्ध को ही पूजा जाता है। वो किस्सा सभी को पता होगा कि एक बार कार्तिकेय और गणेश भगवान से कहा कि जाओ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाओ, तो कार्तिकेय पूरी दुनिया घूमने लगे और उसके बाद भगवान गणेश एक ही जगह का केवल माता पिता का चक्कर लगाकर बैठ गए। तो यानी जीती कौन? बुद्धि। तो इसीलिए हम लोग पहले बुद्धिजीवियों का विधिवत सम्मान करते हैं। उसी परंपरा में हमने अनवर जलालपुरी जी का भी सम्मान किया था, गीता रहस्य का उनका उर्दू तर्जुमा रिलीज किया था हेल्प यू ट्रस्ट ने अपने बैनर से, और नीरज जी के जन्मदिन पर भी हम लोग काम करते रहते हैं। और इसीलिए आज इस कार्यक्रम में महेंद्र भीष्म जी से हमने पहले एक संबोधन रखा। और अब विधिवत संचालन मैं क्या कर पाऊंगा, विधिवत संचालन की आज्ञा के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलित कर आज का कार्यक्रम विधिवत शुरू किया जाए। मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय जगमोहन यादव जी से, मैं श्री विशाल कपूर जी से अनुरोध कर रहा हूं, मैं महेंद्र भीष्म जी से भी अनुरोध कर रहा हूं, साथ ही साथ शैलेंद्र यादव जी से अनुरोध कर रहा हूं, रंजना अग्नोत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं, और कुंवर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी से, सत्या सिंह जी से, और सुनीता तिवारी जी से, और जूही सिंह जी से कि वे कृपया आए और दीप प्रज्वलित कर आज की संध्या की विधिवत शुरुआत करें। एक साथ में आ जाए, इधर भी आ जाए, इधर आप निर्देशन जो करके इधर भी आ जाए।
उसके बाद हम लोग का बोलना और कहना सब बेकार रह जाता है, संचालन उनका चलता है। एक साथ में आ जाइए सर। मैम थोड़ा सांस हटाइए। मैं बस थोड़ी देर के लिए आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर विराजमान रहें, और लेकिन मैं इस समय उनसे अनुरोध है कि सम्मान के साथ और उनकी जगह पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस समय डॉक्टर रूपन अग्रवाल। और अब मैं श्री जगमोहन यादव जी से अनुरोध करूंगा कि रंजना अग्निहोत्री जी को अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ कि उनका कृपया अभिनंदन करके हमारे अभियुक्तों को गौरव प्रदान करें। रंजना अग्निहोत्री जी हल्के सम्मान के साथ जगमोहन यादव जी से अनुरोध है। इधर सामने मैं अनुरोध करूंगा जुहिल सिंह जी का अभिनंदन करने के लिए जगमोहन यादव जी से, कृपया जुहिल सिंह जी का अभिनंदन करें। प्रदीप चिन्ह देकर साथ साथ अब मैं अनुरोध कर रहा हूं विशाल कपूर जी के अभिनंदन के लिए जगमोहन यादव जी से। सत्या सिंह जी के अभिनंदन के लिए भी मैं अनुरोध करूंगा जगमोहन जी से। सत्या सिंह जी उत्तर प्रदेश पुलिस से ताल्लुक रखती हैं। और 1090 जो इतनी अच्छी हेल्पलाइन चल रही है इसको बहुत ढंग से चलाने के लिए कुंवर लाल वीर प्रताप सिंह जी का भी अभिनंदन कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के कुंवर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का ये अभिनंदन कर रहा है। मैं अनुरोध करूंगा जगमोहन जी से कर रहा है। सर जब थोड़ा सामने सर प्रदीप जी के साथ हैं। और सुनीता तिवारी जी के भी अभिनंदन के लिए मैं अनुरोध करूंगा। सुनीता तिवारी जी हमारे बीच में मौजूद नहीं है तो अगर उनके तो ठीक है, हम 12-10 मिनट तक ये प्रतीक्षण और उनका सामान पहुंचा देंगे। कोई भी संध्या तभी मकबूल होती है जब उसमें कलाकारों का विधिवत सम्मान किया जाए। तो सबसे पहले मैं सम्मान की प्रक्रिया में कलाकारों के सम्मान की प्रक्रिया में अनुरोध कर रहा हूं विभू बाजपेयी के सम्मान के लिए। महोदय से विभू बाजपेयी, उसके बाद अनुष्का श्रीवास्तव, उसके बाद दुर्गेश कुमार सिंह, बेटे मंच पे रहिए आप लोग सभी लोग, दुर्गेश कुमार सिंह और विभू इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के जो प्रतिनिधि हैं वो भी कहते अपना सम्मान ग्रहण करें। कोई उनका प्रतिनिधि है परफॉर्मिंग आर्ट का? अभी रुकिए, रुकिए आप लोग रुकिए। इधर देखी जाएगा क्या है क्या। और 1090 पर एक बहुत अच्छी नृत्य नाटिका भी, एक नाटक बहुत अच्छा सा आपके सामने भी प्रस्तुत होगा, उसके कलाकारों को सम्मान के लिए अनुरोध मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। सबसे पहले मीरा भारती, मीरा भारती इनके जो बात नहीं कर रहे हैं उसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, आप इनका अभिनय देखिएगा सुनने जा रहे हैं। सोनी सिंह,
अमरीश बॉबी, अरविंद मिश्रा, सोनम वर्मा, भाई तालियों में अगर कोताही करेंगे तो लोग नाटक नहीं करेंगे, करने में नाटक नहीं करेंगे। उमा सिंह, हरीश वरोलाई, हरीश वरोलाई, बहुत वरिष्ठ अभिनेत्री ममता प्रवीण, और उसके बाद आरुल राम। आरुल राम, ये जो हम लोग कितने खूबसूरत चेहरे रोशन हो रहे हैं, कितने खराब चेहरे हैं, हकीकत में अगर एक जिस रोशनी से रोशन हो रहा है, बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी, बहुत अच्छे लाइफ डिजाइनर और मेरे बड़े भाई जैसे गोपाल सिन्हा जी, जो कि आज इस कार्यक्रम में लाइव हो रहे हैं, गोपाल सिन्हा जी बहुत सीनियर एक्टर है, गोपाल भाई बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी है, ये उनका प्यार है कि हम लोग के साथ घुल मिल के ऐसे रहते हैं जैसे लगता ही नहीं कि वो इतने जानकार आदमी है। आलोक श्रीवास्तव, उनका कुछ करने जगह हो तो आया और उनका पुरस्कार ग्रहण कर सकता, उनका मर्यादा ग्रहण कर सकता, नहीं हम पहुंचा देंगे। सुमित श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, सईद, शकील, अली अब्बास, सब सामने देखिए भाई, और इस नाटक की लेखिका चंद्रा मोहन जी शायद है, चंद्रा जी अनुभव है। चित्रा जी भारतीय नाट्य अकेडमी में प्रोफेसर है, बहुत अच्छी निर्देशिका है और साथ ही साथ बहुत अच्छी लेखिका भी है। चित्रा मोहन जी, मैं थोड़ा सा दर्द है, और रवि शुक्ला शिपू, नाटक जो भी होगा आपके सामने प्रस्तुत होगा, उसके निर्देशक बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी, बहुत अच्छे अभिनेता संगम बाबूराम जी, और इतने अच्छे रंगकर्मियों को जुटा के इतने अच्छे नाटक करना आसान नहीं होता है। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता शैलेंद्र यादव जी, बगल में ही थे। अच्छा प्रोड्यूसर वही होता है हमेशा पीछे खड़ा रहे कि कब उसकी जरूरत पड़ जाएगी, अच्छा प्रोड्यूसर वही होता है। अब आप लोग अगर इजाजत दें तो आप लोग फोटोग्राफ कर लें या फिर जैसे, क्योंकि अब इनकी मर्जी चलती है। बहुत अच्छा किया ये बात, नहीं मुझे लग रहा था वही दृष्टि नवरात्र भी बाद में आने वाला है और अभी चित्र छोड़ा है मुझ पर। तो उनका इस भारत की प्रगति में नारी शक्ति का क्या योगदान है, इस पर कुछ विचार मैं जानना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल आयोग का अध्यक्ष मुझे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्त किया है। ये आयोग बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब से कोई बालक पैदा होता है तब से 18 वर्ष तक जब तक नहीं हो जाता है, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है।
अधिकारों के साथ साथ जो आपने कहा अधिकार होना चाहिए, प्रतिकार होना चाहिए, तो उनकी आवाज को सुनने के लिए और साथ साथ जो सारी योजनाएं चाहे वो किसी भी सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की हो, सबको मॉनिटर करने के लिए, चाहे वो एजुकेशनल सिस्टम हो, चाहे जुवेनाइल जस्टिस हो, वो सही तरीके से उनको न्याय उपलब्ध हो, ये सब हमारे अधिकार क्षेत्र में है। नया आयोग है, हालांकि मुझे भी कहते हुए बहुत संकोच हो रहा है कि 1989 में यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन पास किया इस आयोग को बनने का, और अब जाकर ये बना है पहली बार। हमारी सदस्य नाहिला अली खान जी भी बैठी हुई हैं, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी लोगों में जागरूकता लाएं, लोगों के लिए काम करें। जो एक ऐसा वर्ग है, महिलाओं के अलावा जो एक ऐसा वर्ग है, ये इन्फेंट शब्द, बाल शब्द ही इन्फेंट से निकला है, जो लैटिन में जिसको कहते हैं, जिसकी आवाज ही नहीं निकलती है, वो आवाज हम जरूर बुलंदी तक पहुंचाएंगे। और उसके साथ साथ हेल्प यू ट्रस्ट को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। जैसा कि आपने कहा है कि 2-2.5 साल से लखनऊ में हर वर्ग के, हर बुद्धिजीवी व्यक्ति के विचारों को एक मंच पे लाने का काम आपने किया है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, और आप निरंतर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप्स हो, चाहे वो गरीबों को, गरीब बस्तियों में कपड़ों का वितरण हो, चाहे सांस्कृतिक संध्याएं हो, कवि सम्मेलन हो। तो मुझे बहुत गर्व है कि आपने आज अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया, और हमेशा बुलाते हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहे। नारी शक्ति अपने आप हमारी सोसाइटी में सब पर भारी है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं जो बनाया है कि यहाँ इस समय तो भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जूही सिंह जी आपका। दोस्तों और अग्रज और बुजुर्गों, बच्चों, ये बात अक्सर हमारे दिमाग में आती है कि पुलिस ऐसी हो गई है, पुलिस वैसी हो गई है, पुलिस ये हो गई है, पुलिस वो हो गई है, पुलिस में ये नहीं है, पुलिस में वो नहीं है। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बावजूद और इतना ज्यादा मनन करने के बावजूद, अगर सड़क पर कोई भी हादसा होता है और कहीं पर मैकू लाल को कोई बहुत बड़ा बाहुबली तंग करता है, या कहीं पर किसी नारी के साथ कुछ शोषण होता है, या किसी की जमीन कब्जा की जाती है, या किसी का मकान तोड़ा जाता है और उस पर कब्जा, उस पर अधिकार करने की कोशिश की जाती है, तो उस व्यक्ति से जो उस वक्त प्रताड़ित होता है, वो सबसे पहले एक बात कहता है, मुझे ज्यादा परेशान मत करना, मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। ये एतबार इतना चीजें होने के बावजूद आज भी पुलिस पर है, हमारे मुल्क को, हमारे देश को। और कितनी भी बातें हम कर लें, लेकिन फिर भी ये एतबार पुलिस बनाने में पूरी तरह कोशिश करती है। अब आगे कार्यान्वयन क्या होता है, ये एक अलग की बात है, लेकिन ये जिम्मेदारी बनी रहे, ये जज्बा बना रहे, इस बात की खास हमें ध्यान देना है। इसी परंपरा में अनुरोध कर रहा हूं मैं श्री जगमोहन यादव जी से कि वो आए और अपना संबोधन प्रस्तुत करें। श्री जगमोहन यादव जी, डीजी सीबीसीआईडी उत्तर प्रदेश शासन। जुबी सिंह जी, अन्याय हुए यहां पर अतिथिगण, देवियों सज्जन, ये कार्यक्रम के बारे में मुझे अब सूचना में आने के लिए तैयार होना पड़ा, और कुछ विशेष जानकारी भी नहीं थी कि क्या ये संस्था करती है, कैसे क्या है, बट यहाँ आने के बाद जो देख रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले तो हर्षवर्धन अग्रवाल जी को और उनसे जुड़े जितने लोग हैं इस नेक काम के लिए जो ये उन्होंने इतना प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगा। और ये संस्था इसी तरह से आगे काम
करती रहे, इसकी मैं शुभकामना करूंगा। मेरा बड़ा मन था कि मैं बैठूं यहां पर, प्ले होने जा रहा है संगम बहुड़ा जी द्वारा निर्देशित, तो मैं देखूं, और मजबूरी में मुझको जाना कहीं पर है तुरंत, ये बहुत आवश्यक कार्यवश। आज का विषय जो है वो लिखा हुआ है, सब अभी सुन रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत एक दो बार उसमें कहना चाहूँगा, समय आप लोग यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं। असल में हम लोग जो है वो जैसे नारी और वो तो उसके लिए करते क्या है कोई, वो कि पुराने टाइम ये होता था और वो होता था, और वो देखिए पुराणों में ये लिखा हुआ है, वहाँ ये लिखा हुआ है, और ये श्लोक पता नहीं कहाँ से निकाल करके, ये नारियस्तु पूजनते रमनते देवता, अभी हो क्या रहा है वो तो ठीक है, कहीं दिखा था कहीं कभी था, ये ज्ञात इतिहास जितना है उसमें क्या हो रहा है। अब इस विषय पर बहुत इसमें सक्रियता है, बहुत चर्चा है हमारे देश में। एक झटके में संविधान ने सबको वोट का अधिकार दे दिया, स्त्री को, सबसे कमजोर आदमी को, सबसे बड़े आदमी को, सबको बराबर का अधिकार दे दिया वोट का। और धीरे धीरे उसका परिणाम आना था, आया उसका, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अपने आप बहुत सारी चीजें बदली। जैसा कहा गया कि बहुत सारे विकसित देशों में यह निर्णय लेने में बहुत समय लगा। तो बहुत कुछ उसके बाद परिवर्तित हो रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत मतलब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से, और जो विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसको लेकर के एक हलचल है उसको दृष्टिगत रखते हुए भारत में भी बहुत हो रहा है, बहुत परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि बताया कि यहाँ पर सुल्तान पहली महिला भारत में हुई, प्रधानमंत्री भी हुई, और बहुत सारा सब कुछ हम देखते हैं। लेकिन मैं पुलिस अफसर होने के नाते, और ये उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा पुलिस अफसर के रूप में जो मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ, उसको मैं रिलेट करता हूँ अपने यहाँ पर जो हमारे आसपास जो समाज है उससे। तो एक नई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं, बड़ी विषम, बड़ी नई तरह की समस्याएं जो पूरी तरह से स्त्रियों से संबंधित, लड़कियों से संबंधित ही पैदा हो रही हैं। और अब उसके लिए जिम्मेदार स्त्री पुरुष है, कौन है, कैसे है, कोई स्त्री ऐसा नहीं कोई एक वो अलग पार्टी है और पुरुष कोई अलग पार्टी है। जितनी महिलाएं हैं वो सब पुरुषों की, या तो माँ है, बहनें हैं, पत्नी है, बेटी है, एक साथ ही रहते हैं सभी। और जो कुछ होता है अच्छा या बुरा किसी महिला के साथ, उसमें उस घर की महिलाओं का भी उतना ही योगदान रहता है जितना पुरुषों का। सारी बात असल में पुरुषवादी सोच की है, और जब से हम लोग इतना जानते हैं दुनिया के अधिकांश समाजों में पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है, पितृसत्तात्मक समाज रहा है, जो पूरी सोच को ही बदल देता है, वो सोच नहीं बदल पा रही है। हमारे यहाँ कुछ विचित्र स्थिति है, मैं थोड़ा बहुत समय, कम समय में दो तीन बड़ी मैं कभी सोचता हूँ तो बड़ी अजीब सी स्थिति लगती है कि यहाँ तो स्त्री कोई नाम ही नहीं होता है। हमारे यहाँ मतलब स्त्री का कोई अपना नाम नहीं है, उसकी माँ, उसकी बेटी, उसकी पत्नी, उसकी और उसकी अपनी कोई नाम के आगे जो अगर है भी तो जुड़ता है जो है उसका अपना नहीं है। जहाँ शादी होकर जाएगी वहां से जुड़ेगा वो, कोई जाति नहीं उसकी है। जाति बहुत बड़ी रियलिटी है यहाँ पर इस देश में, कोई उसकी जाति नहीं अपनी है, और जिसके साथ शादी होगी उसकी जाति स्वीकार करनी पड़ेगी। कोई उसकी भाषा नहीं है, पता नहीं कहाँ उसको शादी हुई, कहाँ जाना पड़े, किस कल्चर में, किस उसमें, वहां की भाषा सीखनी पड़ेगी उसकी, मतलब अपना कुछ नहीं है, जिसका नाम ही नहीं है वो, तो बाकी सब कुछ तो बड़ी आगे की बात हो गई। वो चीजें बहुत बदली हैं, बहुत देख रहे हैं, बहुत तेजी से हो गई है। समस्या जिससे मैं आना चाह रहा था वो था, मैं आपको जैसे जन संचार माध्यमों से और बहुत सारे और कारणों से जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं उनकी वजह से एकाएक पूरी दुनिया की जो वैल्यू सिस्टम है, जो जो दुनिया में जो हो रहा है वो हमारे सामने फट पड़ा है।
हो ये रहा है कि एक स्वतंत्रता का भाव आया हुआ है, तो वाइट फोन जब से मिला है तब से एक जितना स्वतंत्रता जितना मतलब कह रहे हैं एम्पावरमेंट मोबाइल फोन ने किया है महिलाओं का, उतना हमें नहीं लगता कि मानव सभ्यता के इतिहास में किसी और ने किया हो। अकेला मोबाइल फोन, अगर आप देखें तो मोबाइल फोन ऐसा है जिस पर स्त्री का अपना अधिकार है, जिसमें किसी के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है, किसी से उसको पूछना नहीं है, किसी से मदद नहीं लेनी है, तो इसका असर बहुत बड़ा है। लेकिन विसंगतियां क्या पैदा हो रही है, विसंगतियां आपको बताऊं, हम असल में जैसे हम पुलिस अफसर हैं बहुत उसे शिद्दत से महसूस करते हैं, प्रतिदिन पुलिस अधिकारी के रूप में वैसे भी इतने सारे मामले कि जो पुराने सामाजिक मूल्य थे, नियंत्रण थे, वो खत्म हो गए हैं, उनका जो अंकुश था, बंधन था, वो खत्म हो गया है, नया कोई वैल्यू सिस्टम कोई डेवलप नहीं हो रहा है। लेकिन चीजें आजादी एकाएक सबको सबको वो मिल गई है, मतलब ये जैसे आपको मैं बताऊं शादी ब्याह के मामले में, अब आजकल सब पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं शादी ब्याह जहां जिसकी मर्जी कर रहे हैं, और शहर में नहीं, आप लोग गांव जानते नहीं, गांव में बराबर चल रहा है, जो गांव से यहां जुड़े होंगे लोग थोड़ा संपर्क रखते होंगे, क्योंकि मैं गांव से बहुत जुड़ा रहता हूं, ये विकास गांव में भी लगभग उसी की स्पीड से चल रहा है जिस शहर में चल रहा है। ऐसा नहीं पहले होता था कि शहर की चीजें गांव पहुंचते 20-25 साल लग जाते थे, अब ऐसा नहीं है, ऐसा चल रहा है। तो एक दिस इज माई लाइफ, मेरा निर्णय है, मेरी जिंदगी है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। दिक्कत क्या हो रही है कि इस उसमें बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी उसके निर्णय हो रहे हैं शादी ब्याह के, और उतनी जल्दी टूट रहे हैं। अब उसके बाद जो समस्या होती है कि जब संबंध टूट गया तो पुरुष जो है सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से अपना जीवन जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए, घर बसाने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए वो पूरी तरह से उपयुक्त है, उसकी मांग है। लेकिन स्त्री जब एक संबंध से अलग होती है तो उसके लिए वही जो आज के 100 साल पहले था वही वैल्यू सिस्टम है कि परित्यक्ता है या छुट्टी हुई है या तलाकशुदा है। आज भी हमें नहीं लगता है कोई आदमी, कोई लड़का, कोई वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बड़े आधुनिकता की उसकी, कि किसी तलाकशुदा लड़की से, किसी ऐसी लड़की से जिसकी शादी हो चुकी हो या जो आसानी शादी करने को तैयार होते हैं, तो उसके लिए बड़ा भारी संकट है। उसके लिए क्या किया जाए, चीजें बदल गई, बड़ी बड़ी एकाएक सब आ गई, सब सब स्वतंत्रता आ गई, आजादी आ गई, मॉडर्निटी आ गई, खूब सशक्तिकरण हो गया, वो हो गया। पश्चिमी समाजों में यह है कि वहां पर वैल्यू सिस्टम भी उसी के साथ चेंज हो रहा है। जैसे लड़का लड़की अलग हुए तो दोनों के लिए समाज में बराबर हक है, दोनों की स्वीकार्यता बराबर है, पुरुष की भी स्त्री की भी। यहां ऐसा नहीं है, पुरुष की स्वीकार्यता तो है, स्त्री की स्वीकार्यता बिल्कुल नहीं है, अभी भी नहीं है। मतलब तो मतलब कुछ नई नई समस्याएं पैदा हो रही है, कुछ अजीब सी समस्याएं पैदा हो रही है। क्या करना है इसके लिए, कैसे क्या हो पता नहीं, कोई इस पर सोच भी रहा है नहीं सोच रहा है, क्या कैसे क्या होगा। मतलब ये अब ये समाज है, चेंज हो रहा है, होते 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 समाज चेंज होने में बहुत समय लगता है, वैल्यू सिस्टम चेंज होने में बहुत समय लगता है। तो मैं जो इस तरह से जो भी सिंह जी हैं, बहुत सारे और प्रबुद्ध लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इस संस्थाओं से, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अभी इस पर जो हो रहा है इस समय ग्लोबलाइजेशन के बाद, सूचना तंत्र के विस्फोट के बाद, एकदम से जो एकाएक जो ये हुई आजादी मिली है, इसके बाद जो अजीब अजीब नई समस्याएं पैदा हो रही, जिसका परिचय किसी के पास नहीं था, जिसका समाधान भी किसी ने सोचा हुआ अभी न सामाजिक तौर पर न कानूनी तौर पर, किस तरह से समाधान क्या हो, कैसे हो। तो मैं चाहूंगा कभी इस पर भी विचार करने का समय आ गया है, कभी इसे सोचे क्या किया जाए इसके लिए, शायद कुछ कुछ विचार इसमें निकले। खैर मैं आखिर में हेल्प यू संस्था के जो कर्ता धर्ता हैं, जो उसके लिए यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, मैं उन सबका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, सम्मानित किया, और एक बार पुनः मैं उनकी और उनकी संस्था की सफलता की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका इतने सुंदर उद्बोधन के लिए, और साथ ही साथ
नए तरीके से हमें एक सोचने के लिए इंगित करने के लिए। जैसा सर अभी अपने बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जगमोहन यादव जी आपका कि आप आए और आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया। साथ ही साथ मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जूही सिंह जी का भी कि वो भी आई और उन्होंने अपना सहयोग हमें इस कार्यक्रम में दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा अभी जूही सिंह जी ने कहा और उसके बाद में माननीय जगमोहन यादव जी ने कहा कि स्त्री की अपनी सत्ता खत्म भी होती रही। दरअसल अगर पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में मंदिरों की परंपरा जब आती है तो मंदिरों की परंपरा में एक समय यह होता था कि स्त्री का विवाह उस मंदिर के देवता से कर दिया जाता था। इस मंदिर में इस मंदिर का जो देवता है वो इस स्त्री का पति है या उसका पालक है या जैसा, और वो देवदासी कहलाने लगती थी कि ये देवदासी है। और उन्हीं देवदासियों ने जब अपने मंदिर के देवता को प्रसन्न करने के लिए कुछ संगीत और नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत करने शुरू किए उस देवता को समर्पित करते हुए, तो वो कहलाया अट्टम, दक्षिण में अट्टम, और उसको कहा गया दासी अट्टा। ये देवदासी है जो अपने पालक को अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए नृत्य कर रही है, ये दासी अट्टा है। जैसा अभी पहले भी लोग कह रहे थे कि फिर धीरे धीरे समाज बढ़ा और समाज बढ़ते बढ़ते विकसित होना शुरू हुआ और मंदिर से उन दासियों ने निकलना शुरू किया, तब जाके वो कहलाने लगी देवदासी, रासदासी, अलंकार दासी। देवदासी जो मंदिर में रह गई, रासदासी जो कुछ खास कार्यक्रमों पर नृत्य करती थी, और लोकदासी जो लोक के साथ पूरा सभी सामान्य व्यक्तियों के लिए नृत्य करती थी और अलंकार के कार्यक्रमों में जो प्रस्तुत अपना कार्यक्रम करती थी, देवदासी, रासदासी, अलंकार दासी। इसके बाद अब जब भरत मुनि का विचार उसमें जुड़ा तो वो नृत्य कहलाया भरतनाट्यम। एक पक्ष ये भी कहा जाता है भरतनाट्यम के बारे में कि भरत शब्द की उत्पत्ति यूं मानी जाती है कि भाव, रस और ताल का मिश्रण जहां हो गया वो भरत हो गया। तो आज उसी अट्टम को, उसी नाट्यम को प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में है अपने शहर की बहुत अच्छी, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त भरतनाट्यम की नृत्यिका, साथ ही साथ उसने शिक्षा पाई डॉक्टर सोनन बाल सिंह जी से, पद्म विभूषण सोनन बाल सिंह जी से, उसने शिक्षा गुरु सुरेंद्र सैकिया से कथक की पाई, उसने शिक्षा के साथ साथ पुरस्कार भी प्राप्त किए और उसने माननीय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के हाथों राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति उत्तर भारत सरकार, उनसे विभागीय पत्रिका की उत्कृष्टता के लिए उसको पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके साथ ही साथ उसने और अपने शरीर को मजबूत करने के लिए भी शिक्षा प्राप्त की और वो बिटिया का नाम था विभू वाजपेयी। उस बिटिया से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वो आए और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करे, और जैसा विभू ने मुझे भी बताया है कि वो उस बुद्धि के देवता गणेश की वंदना के साथ अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी विभू वाजपेयी। थैंक यू।